हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में सभी परिजात का एपिसोड सॉरी अच्छू 12वां ब्लेस यू। बार 12 देखने नहीं, हैं। 13वां। तेरहवा हाँ या 13वां। यस, आइए चलिए देखते हैं। देखते, मुझे याद है। खान, वो लड़की कैसे गायब हो गई? हमारी आज की सारी मेहनत जो है वो जाया हो गई। मुझे किसी बड़े ब्रेक की उम्मीद थी, मगर वहां तो बड़ा सा ताला लगा हुआ था और बिल्डिंग इंतजामिया ने बताया कि जो लड़की सारा यहाँ रहती थी वो फ्लैट बंद करके गुजशत 2-2.5 महीने से कहीं चली गई है और उसे किराया भी अदा नहीं किया। इस लड़की का मिलना जो है ना, वो बहुत जरूरी है। तुमने नोट किया है कि इस लड़की का गायब होना और वलीद की गुमशुदगी की टाइमिंग ओवरलैप कर रही है? आप सही कह रही है मैडम। और एक खबर ये भी मिली है कि एक दूसरी लड़की सारा से मिलने अपने ड्राइवर या गार्डनर शख्स के साथ वहाँ आई थी। उस लड़की की खबर लगाना भी बहुत जरूरी है। तो एक काम करो, वो जो अपार्टमेंट बिल्डिंग है उसके गेट पे से सीसीटीवी कैमरा फुटेज और वहाँ पे पिछले 3 महीनों में जो भी गाड़ियाँ आई गई हैं उनके नंबर, उनके मालकान के नाम, उनकी डिटेल्स लेकर आओ। हमें इसी को इन्वेस्टिगेट करना होगा। आर्य चाहता हूँ, हो सकता है मालिक को मेरी जरूरत पड़ जाए या मैं उनके किसी काम आ जाऊं। ये मालिक का ही हुक्म, वैसे भी लैलो सबा की मौत के बाद वो कुछ ठीक नहीं है, बिल्कुल टूट कर रहेगी। किसी काम किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। कभी कभी मैं सोचता हूँ एक इंसान अपनी सबसे महबूब हस्ती को अपने हाथों से कैसे पुनः कर सके। ये सब समझने में तुम्हें वक्त लगेगा, फिर अगले हुक्म तक तुम्हें वहीं रहना होगा। गुरु का पुराना वफादार है मालिक का, अपने जमाने का सफा तरीन कारिंदा। कुछ वजूहत की वजह से उसे अलहदा होना पड़े, लेकिन उसकी वफादारी में कभी कमी नहीं आई। आज भी मालिक की एक आवाज पर वो जान देने को तैयार है। सारी एंट्री और एग्जिट लिस्ट इस फाइल में शामिल है। कुछ आम नाम भी हैं इसके अंदर और एक नाम तो बहुत भारी है। कौन सा नाम? फेरोज ग्रुप ऑफ कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव फेरोज करीम का नाम, और उसी रोज उनके सिक्योरिटी मैनेजर के नाम जो डिस्ट्रिक्ट गाड़ी है वो वहाँ आई। इतना बड़ा सेट है वो, इतनी इंडस्ट्रीज और कंपनीज है उसको, ऐसी कई गाड़ियाँ उसकी कंपनी फ्लीट की शेयर में मिलती होंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैडम बाकी गाड़ियाँ तो स्टाफ या स्क्वाड की हो सकती है, मगर एक गाड़ी उसके जाती फ्लीट की थी, वो स्टाफ कार नहीं हो सकती। हमें बहुत ध्यान से तफ्तीश करनी होगी। एक भी गलत कदम सब कुछ खराब कर देगा। रोज करीम कोई आम आदमी नहीं है, बहुत बड़ा इंसान है। हमारी नौकरियां भी दूर हो सकती है, ध्यान रखो। पुलिस फॉलो कर रही है क्या? अभी गुरु को ने देखना है नया कैरेक्टर। हाँ
अरे रे भी देखो ना था, कहां पहुंच गया यार ये? कोई अच्छा होगा कि नहीं इसकी जिंदगी में?
बिलावर बन गया रो का बेटा कुछ दिन के लिए पना चाहिए। तेरे आने से पहले बड़े बम मर चुके हैं यहाँ पर। बराबर का मेहमान है कि बताए खराब पुरों ने तुझे खाने का भी पूछा है कि नहीं? अभी तो सो के होता हूँ। अच्छा चल तुझे खिलाता हूँ कुछ अच्छा सा। तुमने ठीक नहीं किया घर से भागकर। दुरुस्तानी जी और शबीर चचा किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहे। मांगना छोड़ के चले। मगर तुम्हें बता मैं क्या कर। मेरा निकाह करवाने को तो ले जाओ। के साथ किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। अच्छा इसलिए भागना पड़े। ये सब तो तुम ना रुक के अपने माँ बाप को सजा सकते। बहुत खुश की वो तो मुझे तेरे साथ थे। तो फिकर ना कर मेरी माँ बहुत समझदार बहुत सब मेरा मसला दुनिया से बहुत अलग है। वो क्या करता मेरे अंदर का मर्द किसी और मर्द की हकमियत बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुझे तो बहुत अच्छे से पता है। मुझे लगा था कराची में ये मिलेगी। मिलेगा मिलेगा। रात क्या हुआ Thank you.
साहब, माचिस लाइटर मिलेगा क्या? माचिस मांग रहा है मेरा दोस्त, आग सुलगानी है। इधर से गुरु कैंडल आ गई बबली बदमाश। ये भी कहां से कहां पहुंच गए। कितनी दफा कहा है कि यूं पैर ना पड़ा कर छाती से लगा कर, तेरी जगह यहाँ। अरे गुरु वो टांगे वाला खैर मांगदा। इस पे जाएंगे हम? हाँ यही तो है हमारी कमतर, मुझे ये टीम के बने डब्बे नहीं पसंद। ये सब पे रक्षा टैक्सी बने घूमते हैं ना, अपने तो यही कमतर। और ये खैर उस्ताद हम और इसको अपने ही समझ।
बड़ा फिगर है इसका, इसका नाम है दिलावर। और मेरे गुरु का दिलावर दिलवा दे, चला खेलते चले लाजी समाज। तो यहाँ से बदली बदमाश हुई दिलावर। जी या तो ताला पड़ाओ। अगर तूने घर न जाने का फैसला कर ही लिया है तो
मेरे साथ चल। मेरे ठिकाने और जगह तेरे भी। वहां मुझ जैसे और भी बहुत। आज से तेरा नाम दिलावर और तू गुरु का बेटा बनकर रहा। तो मुझे मेरी नई शनाख्त के साथ कबूल कर लेंगी, मतलब तेरे लिए कोई मसला तो खड़ा नहीं होगा। मर गए गुरु के लिए मसला खड़ा करने वाला। चल मेरे साथ, असली दिलावर बनाऊंगा तो चाकू बाजी तमंचा की कोई तेरी तरफ आंख उठा के भी नहीं रख सकेगा। तू जैसे अपनी आंखें सुन जाने का पॉप हो। ये दुनिया मर्दों की दुनिया है और इस मर्दों की दुनिया में जीने के लिए हम जैसों को उनसे ज्यादा मर्द आदमी की जरूरत होती है। तो यहाँ से ही बबली और बबली की मौत और दिलावर की शुरुआत। उसके सामने सब मर्द ना मुझे। ये बता दो भी। कितना सा लगा तुम्हें ये चाकू बाजी और लड़ने का संक्षिप्त पर? पर साल से ज्यादा लगता। तुम गुरु ने मुझे सब कुछ सिखा दो। सड़के और पहाड़ी के नीचे छोटे छोटे और अड्डे दासी करती हूँ। मतलब जो बस वो अलग दूर एक नया अंडरवर्ल्ड और आते बहुत क्या आते क्या करें। फिर मैं बबली की जगह दिलावर का अपनी पढ़ाई जरूरी छोड़ दी। किसी ने मुझे कहा था कि मर्द की असल कशिश उसके औरते रुतबे और पैसे में छुपी होती। फिर मैंने अपनी शख्सियत की कमियां छुपाने के लिए पैसा कमाने का सोचना शुरू कर। किस्मत इधर ही आई। क्या स्टोरीज है यार। रात को नींद आ गई थी अच्छी तरह से? नहीं, नई जगह पर मुश्किल से ही आती है। मैंने तो सुना था कि नींद तो सूली भर भी आ जाती है। सूली होती तो आ जाती शायद। भाई बस बस कैरेक्टर है गुजी। तो जैसे ही किसी को गुरु की पनाह में नहीं भेजता। बहुत भरोसा है उनका पापा।
वैसे भैरव साहब के लिए काम करना था थोड़ा। बस यार मारा गया था मेरा, हम दोनों ने एक साथ धंधा शुरू किया था और फिर भैरव की नौकरी भी एक साथ ही थी, दुश्मन की गोली उसे चाट दी। मेरे इन्हीं हाथों में जान दी थी, दिल उदास। मैंने सुना है कि इस धंधे में लोग अपनी मर्जी से आते हैं मगर वापसी अपने इख्तियार में नहीं होती, बल्कि वापसी का रास्ता ही नहीं होता। ऐसा ही है सेठ बहरोज, बड़ा शहंशाह बादशाहों का बादशाह। मैंने जब उससे जाने के लिए इजाजत मांगी उसने मुझे इतना दिया कि मेरी सात नस्लों के लिए काम, फिर भी ये भाड़ा चला रहे हो क्यों? ये दुनिया बड़ी दाले में पड़ी था, ये मरे हुए को सौंदर किस्मत ने भी बड़ा अजीब खेल खेला मेरे साथ। जब पैदा हुआ तो सबसे पहला लफ्ज इजड़ा मेरे कानों में काली बच्चे पड़ा, उसके बाद माँ बाप की थी ऐसे ही अड्डे पर किसी और गुरु के आगे थी एक गए। जवान हुआ तो औरत ने धुतकारा और मर्द ने डाली तो बुरी नजर ही का। रब से सिर्फ एक ही सवाल करता कि जब तन अधूरा दिया तो मन के पूरा वो भी अधूरा देता, गुस्से और इंतकाम की आग में हथियार उठा दिया। इस बेरहम दुनिया को तुम इतनी अच्छी तरह पहचानते हो, दिलावर बना दिया, ऐसा क्यों किया? तो बहुत मासूम है, अरे यार ये कभी कभी क्या बोल देता है। अरे यार भाई कहां से कहां पहुंच रहे हैं सीरीज, ये किस किस के जासे में आ रहा है बाबा, जासे में उसका नया रास्ता बनते जा रहा है। हाँ। मैं देखा इसका जिंदगी में कुछ अच्छा होगा कि भी नहीं, कि ठोकरी खानी है इसने जिंदगी भर, क्या पता यार। बट कैरेक्टर्स एक है मानना पड़ेगा सीरीज में, कैरेक्टर्स बहुत दमदार है और हर एक की परफॉर्मेंस बहुत दमदार है, और हर एक की स्टोरी अगर आप देखोगे तो हर एक की कुछ ना कुछ दर्द भरी स्टोरी है। दुनिया बड़ी जालिम है, जालिम है। नहीं वो तो सही कहा कि नहीं वो एक्चुअली में सही है, मैं तो बबली बदमाश को देख के थोड़ी खुशी हुई, बट अभी बबली बदमाश नहीं दिलावर है, दिलावर। बट ये यार का मतलब ये थोड़ा बोलते टाइम सोचता नहीं, ये बोल देता है बाय फ्लो लाइक आर ने तो पार बोल दो, मेरे को नहीं पसंद मैंने बोल दिया था तो बोला ऐसा। हां बड़ी गुरु की भी स्टोरी अगर देखोगे तो वो थी बड़ी दर्द भरी, बट मस्त कैरेक्टर है, मेरे को बड़ा पसंद है। गुरु भी अच्छा दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है, मतलब ये जो है कि स्मार्ट दिख रहे एकदम, स्मार्ट एक्चुअली, परफॉर्मेंस एक्टिंग भी बहुत अच्छी है उनकी, वो मतलब एक्चुअली होना ऐसा लग रहा है गुरु के लिए प्रॉपर बंदा है, प्रॉपर बंदा है वो, सही बहुत सही रोल दिया उसको, और मतलब बहुत सही बंदा चूज किया इनफैक्ट, मुझे अच्छा कैरेक्टर लगा। देखिए इसकी लाइफ में बहुत लोग आ रहे हैं और बहुत लोग जा रहे हैं, फिर शौकीन यार शौकीन को मिस कर रहा हूं, शौकीन शाहजन शाहजन आ रहा जा रहा है अभी, फिर उसके क्या नाम था उसका नौशास, नौशास वो था, वो भी गायब हो गया, वो भी कराची में शायद, वो भी कभी ना कभी तो मिलेगा। फिर वो जो लड़की थी एक वो भी अच्छी दोस्त बन गई थी इसकी, लेकिन फिर वो भी आई, वो तो आई और चली गई, चली गई। हां शायरों वाली दुनिया क्या होगा आगे अब देखना है परिजा, अभी ये हकीकत वाली दुनिया है इसके लिए, असली दुनिया होती है ऐसी, एक्चुअली बहुत बहुत ब्रूटल होता है वर्ल्ड, बहुत। ठीक है अभी और हम एपिसोड्स देखेंगे, हाँ तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट क्लिक ऑन द बेल आइकन, बाय बाय।